हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं तिलक और आज आप सभी लोगों का मैं यार स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जिसका नाम है एडवांस रीडर्स क्लब। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को जो उससे पहले मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था दोस्तों, इलास्टिक प्रेशर ट्रांसड्यूसर का, वही पढ़ाऊंगा दोस्तों। इस लेक्चर में दोस्तों मैं बचे कुचे ट्रांसड्यूसर्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, होते तो नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में भी बाकी ये बचे कुचे पढ़ा दूंगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो जो है पूरी देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो में मैं पूरा ही बताऊंगा। और दोस्तों आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जो लिंक दिया दोस्तों, उसको आपको फॉलो करके देखना है दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसा नहीं समझेगा दोस्तों, मैं कितना भी पढ़ाऊं आपके भेजे में ही नहीं घुसेगा दोस्तों। तो इससे बेटर है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए और बाद में ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए दोस्तों। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट होती है दोस्तों, चलिए। देखिए मैंने डायग्राम बना लिया दोस्तों, तो मैं आपको एक पहले स्पाइरल बॉर्डर ट्यूब के बारे में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कि स्पाइरल बॉर्डर ट्यूब मींस होता क्या है। दिस टाइप ऑफ बॉर्डर ट्यूब हैज सेवरल बाउंड एंड थ्री एंड इज डिफ्लेक्शन करंट पॉइंट मैकेनिज्म। और एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, दिस टाइप ऑफ बॉर्डर ट्यूब हैज सेवरल बाउंड एंड थ्री एंड डिफ्लेक्शन करंट पॉइंट मैकेनिज्म। The pressure reading is obtained to the free end of deflection pointer, यहाँ पे कनेक्ट होगा दोस्तों, जिससे अपने को रीडिंग मिलेगी। और ये है हेलिकल बाउंड्री। हेलिकल मीन्स हेलिकल, ऐसे इसको बोलते हैं हेलिकल। अभी हेलिकल बाउंड्री ट्यूब में क्या होता है, ये हेलिकल बाउंड्री ट्यूब नंबर ऑफ बाउंड अरेंज हेलिकली, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अरेंज हेलिकली, द प्रेशर इज फेड टू द फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन पॉइंटर मूव्स ऑन द स्केल एंड रीडिंग इज ऑब्टेन्ड। दिस इज हेलिकल बाउंड्री ट्यूब। This is used 1000 psi. PSI is a unit of pressure, and this is below 1000 psi. This is one below 1000 psi. This is below 1000 psi. तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक है बेलोस और एक है ट्विस्टेड। चलिए इसकी भी मैं डायग्राम बना के आपको बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए, मैंने ये भी डायग्राम बना लिया दोस्तों। अभी ये ट्विस्टेड बॉर्डर ट्यूब है दोस्तों, ट्विस्टेड। तो देखिए ट्विस्टेड बॉर्डर ट्यूब, द ट्विस्टेड बॉर्डर ट्यूब इज अ ट्विस्टेड सेंटर, द फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन गिव्स द प्रेशर फीड इनसाइड द बेलोस। समझा? बस वही है दोस्तों, डायग्राम सिर्फ एक ही है दोस्त, एक जैसी नहीं है दोस्तों, सिर्फ अलग अलग है, सिर्फ इसका जो वर्किंग है तो सबका एक जैसा है दोस्तों। अभी ये बेलो प्रेशर गेज, बेलो प्रेशर गेज क्या होता है? बेलो प्रेशर गेज, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रेशर अपन फीड करेंगे, फीड करने से क्या होगा, फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन पॉइंटर मूव्स ऑन द स्केल एंड रीडिंग गिव्स प्रेशर फेड इज प्रेशर इनलेट टू द बेलोस। बस इसका इसका प्रिंसिपल है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट इज अ सिंगल पीस बायमेटालिक यूनिट हैविंग अ सेवरल फोर्स ऑन इट्स बोथ वॉल। द बेलोस आर मेड अप ऑफ अलॉय लाइक ब्रास, मोनेल, स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर, मोलिब्डियम, फॉस्फर, ब्रोंज। द थिकनिंग, द चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन कोरोजन रेजिस्टेंस एंड प्रेशर फेड प्रेशर रेंज इन साइड द बेलूस। इट इज फ्लूड प्रेशर सेंसर है दोस्तों, क्योंकि फ्लूड प्रेशर का सेंसर रहता।
इसको फ्लूइड प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं। अब इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग एकदम सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं। वर्किंग में प्रेशर फीड करेंगे, ये कॉम्प्रेस होगा और एक्सपांड होगा। कॉम्प्रेस और एक्सपांड होने से क्या होगा, फ्री एंड ऑफ डिफ्लेक्शन एंड पॉइंटर मूव्स ऑन द स्केल, पॉइंटर मूव्स ऑन द स्केल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेलोज डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ मटेरियल, थिकनेस ऑफ वॉल एंड इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और इसकी रेंज कितनी रहती है, 0 to 2000 PSI। बस इसका इसका वर्किंग है, कुछ भी नहीं है। सभी का वर्किंग एक जैसा ही है दोस्तों, सिर्फ डायग्राम में थोड़ा चेंज है और बहुत ही इजी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद तिलक उमरेडकर, शाइनिंग ऑफ।